हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू FullPreparation.com। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझते हैं तो आप एग्जाम्स में काफ़ी डायरेक्टली काफ़ी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं इससे से रिलेटेड, तो आप उसको भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आप इन फिगर्स को देखिए, इन फिगर्स को आपको देख के क्या लग रहा है? इस फिगर्स को देख के आपको कहीं पे इंडिया दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिया, बट यहाँ पे कहीं पे इंडिया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इन चारों फिगर्स में आपको इंडिया नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 250 मिलियन से अगो की फोटो है ये वाली, ठीक है, यारा पिक्चर वहाँ का है, और उस टाइम पे कहीं पे इंडिया नहीं था, उसके बाद भी इंडिया नहीं था, ठीक है, इंडिया कहीं पे नहीं था, लेकिन प्रेजेंट डे पे इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, इंडिया कहाँ पे आ गया, कहाँ से आ गया यहाँ पे, अभी तक तो कहीं पे नहीं था, इंडिया था, ठीक है, इंडिया यहाँ पे भी इस टाइम पे भी सारे टाइम पे इंडिया था, बट उसका लोकेशन अलग था, वो किसी और प्लेट से अटैच था, ठीक है। फिर ये सारी देखिए सारी, ये कितना बड़ा था ये प्लेट है, इसका फिर बाद में ये सेपरेट हुई, ठीक है, ये प्लेट्स आपस में टूटी है, ठीक है, टूट टूट के ये अब छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये टूट गई दो पार्ट्स में, एक तो बन गया आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया नीचे, इधर इस डायरेक्शन में चला गया, और हमारा जो ये नॉर्थ वाला जो पोर्शन है इसने नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में अपना मूवमेंट स्टार्ट किया इसने, तो ये एशिया प्लेट से टकरा गया, यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं इसको। तो ये जो वाली प्लेट है जो हाफ थी, ठीक है, हाफ तो ऑस्ट्रेलिया बन गया, और जो हाफ प्लेट थी ये जाके टकरा गया एशिया प्लेट से, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और इसके टकराने से एक कोलिजन हुआ, ठीक है। उस कोलिजन का रिजल्ट क्या आता है, उस कोलिजन के रिजल्ट से हमारा हिमालयस बनता है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन आपका हिमालयस बनता है, और नीचे वाला पोर्शन हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, वो तो है ही जो यहाँ से निकल के चल के टकराया है, ठीक है। और वो जो आप ये जो कोलिजन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिजन था, जिससे वो लेयर्स बनती हैं, लेयर्स का ये तीन लेयर्स बन जाती हैं, लेयर्स कहेंगे हम इनको, ये तीन सेक्शंस बनते हैं, या तीन पार्ट्स में, तीन फेजेस में जाके ये कोलिजन होता है। जो फर्स्ट कोलिजन होता है, जो ये फर्स्ट कोलिजन होता है उससे हमारा ग्रेटर हिमालयस बनते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी इसकी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट रही, ये बंद नहीं हुई, तो उसके बाद दोबारा कोलिजन होता है, और दोबारा कोलिजन के बाद यहाँ पे ये आपका लेसर हिमालयस बन जाता है, ठीक है। तब भी एक्टिव रहा, तब भी इसका जो मूवमेंट था ये तब भी आगे की तरफ रहा, नॉर्दर्न इसकी डायरेक्शन में तब भी ये चलता रहा। उसके बाद ये थर्ड बार कोलिजन होता है, जिससे शिवालिक रेंज हमारी बन जाती है, ठीक है। तो आया आपको समझ में, ऐसे आ ही गया होगा कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया के दो पार्ट्स हुए, दो पार्ट्स होने के बाद एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे सेपरेट हुआ, एक पार्ट बन गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड जो ये वाला पार्ट था इसका मूवमेंट रहा नॉर्थवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये नॉर्थ में जाके एशिया से टकरा गया। एशिया से टकराने के बाद इसका कोलिजन जो मतलब ये कोलिजन हुआ ये वाला, इस कोलिजन से का रिजल्ट आया कि आपके ये माउंटेन्स बन गए, माउंटेन की रेंजेस बन गई, ठीक है। हिमालय जो है रेंज में है, पैरेलल रेंजेस हैं, तो आपकी रेंजेस बन गई, पहले आपका ग्रेटर हिमालयस बन गया, उसके बाद आपका लेसर हिमालयस बन गया, उसके बाद आपके शिवालिक्स बन गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बस वही है जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इनमें ये सारा वेरिएशंस हुआ, जो हमारा आज की जो हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट बना, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, इसका पूरा फॉर्मेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी इन सब के बेसिस पे हम इंडिया को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, ठीक है। पहला पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक्स, थर्ड है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र ब्लॉक्स, ठीक है। तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे इसका इजीली हम इसको समझ भी सकते हैं, प्लस ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड ही है,
बिकॉज जब हम पेनिनसुला वाला ब्लॉक जो है, मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुला ब्लॉक है, ये वही वाला ब्लॉक है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो जो ये वाला पार्ट था ना, आगे वाला जो हमारा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये सेम वही ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सेम ब्लॉक वही है। क्योंकि उस टाइम पे हिमालयस तो बने नहीं थे, पहले ये बना था, इसके बाद इसने आगे एक साइड अपना ये डायरेक्शन आगे की साइड चलता रहा, उसके बाद जाके यहाँ पे हिमालयस का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, हिमालयस तब जाके बने थे, ठीक है। अभी सेकेंड है हमारा हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक्स, ठीक है। अब इसमें इस टाइम पे क्या हुआ, आगे की साइड कहाँ है, हाँ, अभी इस टाइम पे क्या हुआ कि आपका ये पेनिनसुलर ब्लॉक आगे की साइड गया, कोलिजन हुआ, और पहले एक रेंज बनी, ये दूसरी रेंज बनी, और ये तीसरी रेंज बन गई, ठीक है। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, अब भी ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये पूरा जो एरिया है ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये आपका माउंटेन रेंजेस तो ऊपर आ गई, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया नीचे आ गया, और ये वाला जो पार्ट है ये जो पूरा है ये आपका प्लेन वाला प्लेन एरिया है। क्योंकि जो भी रिवर्स है यहाँ पे, देखिए रिवर्स हैं काफ़ी, अब ये रिवर्स हैं ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं वो सारे यहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है, ये सारे आते हैं यहाँ पे, और इन सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे ये जो डिपॉजिट कर देते हैं, सेडिमेंट्स जो अपना डिपॉजिट कर देते हैं, तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल हो जाता है और ये पूरा एरिया प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे हमारा माउंटेन्स था और ये हमारा पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों तीनों कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, होप आपको समझ में आ ही रहे हों, ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी ये तीनों चीज़ को एक साथ मैंने लगाने की कोशिश की है, शायद इससे आपको क्लियर हो जाए पिक्चर, ठीक है। ये हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया, ये वाला पार्ट हमारा पेनिनसुलर वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला, ये वाला हमारा हिमालयस वाला, ठीक है, तीनों हमने लगा दिए, तो शायद आपको पिक्चर क्लियर हो रही हो यहाँ से। अभी वो कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे माउंटेन्स बन गए उधर, ठीक है, इधर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे, तो उन चेंजेस की वजह से जो हमारे उसमें चेंजेस आ गए, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उसके बेसिस पे हम अपने पूरे इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनके डिवीजन हम कर सकते हैं। एक है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स वाला पार्ट, दूसरा नदर्न प्लेन्स वाला, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ है आपका इंडियन डेजर्ट जो है, और फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स, और फिर आइलैंड्स, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं नदर्न और ये नॉर्थ ईस्ट माउंटेन से। तो हिमालयस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है जो भी हमने अभी डिस्कस किया था कि वो तीन उसकी फेजेस हैं, ठीक है, तीन फेजेस में बना है, तो वो क्या हो गई, वो सीरीज हो गई ना, ये तीन जो है सीरीज हो गई, ठीक है, एक सीरीज, दो और ये तीन, तो ये जो पैरेलल है, ये तीनों जो माउंटेन रेंजेस हैं ये सारी पैरेलल हैं एक दूसरे की, ये तीनों आपस में पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई माउंटेन, इसका ये मतलब हो गया सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स, मतलब ये जो तीन पार्ट्स में बनी हुई है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और फिर अभी क्या है कि हमारा जो ग्रेटर हिमालय है, हमारा मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है, इन तीनों को ना, इन तीनों के नाम भी हैं, अलग अलग इनके नाम है, जैसे ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, इनर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय का नाम है तीनों, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय और ये हिमाचल हिमालयस, थर्ड है शिवालिक और आउटर हिमालय, ठीक है। इनके ना नाम भी, इसके तीन नाम है, इसके तीन, इसके दो, ये जो इसके नाम है ना, ये भी कई बार अलग अलग क्वेश्चन में आपसे दूसरा नाम दे लिया, अगर इसने इनर हिमालय पूछ लिया कभी, या फिर आउटर हिमालय पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आउटर को आप, हो सकता है इस वाले में यहाँ पे आपको लगे कि नहीं ग्रेटर हिमालय, इसको आउटर हिमालय कहते हैं, इसलिए इसका ना नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपको मतलब इजीली आपको याद रहे वो सब चीज़ें, तो मैंने एक साथ उनको एक साथ कंपाइल करके मतलब एक साथ देने की कोशिश की है कि सेग्रीगेटेड रहेगा, आप लोग को ज़्यादा इधर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एवरेज हाइट भी मैंने आपको तीनों की दे दी है, ठीक है, तो एवरेज हाइट यहाँ पे ग्रेटर हिमालय की है 6100 मीटर, एवरेज विड्थ है 25 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही एवरेज हाइट जो है आपको मिडिल हिमालय की है 35 to 45 meters,
4500 और एवरेज विड्थ है 60 to 80 किलोमीटर। एवरेज हाइट शिवालिक की है 600 to 1500 मीटर्स और एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर। तो बस आपको ना इसका आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप उसका पूरा पूरा इसके पूरे फिगर्स नहीं याद रख पा रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे 600 तो नहीं आ सकता है, ठीक है। अभी कोई एवरेज हाइट अगर आपकी मतलब दे दी जाए ग्रेटर हिमालयस की 600 मीटर्स, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए 600 मीटर्स तो नहीं है वो, 6100 मीटर्स के अराउंड तो उसका कोई एवरेज हाइट है, ठीक है। एटलीस्ट इतना आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। बट इसके जो नाम है, ये तीनों जो नाम है ना, ये नाम आपको एटलीस्ट सबको पता होने चाहिए। तीनों रेंजेस के कितने कितने नाम हैं, तीनों ये सारे सब आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, ये मैंने खुद ही ड्रॉ करके ये ऐसा फ़ोटो इसमें अपलोड किया है, बिकॉज मेरे को ना ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जिसमें सारी सीरीज़ एक साथ हों, सारे ये माउंटेन रेंजेस एक साथ हों, मतलब ऐसा छोटे से फिगर में ही सारा मिल जाए ताकि हमको इधर उधर देखना ना पड़े। ये तीन सारी ये दो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, तीनों सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको अपने आप से ऐसा लिख के ऐसा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो होप आप लोग को हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ये दो एक्सट्रीम्स है, एक है नंगा पर्वत और यह है नामचा बारवा। नामचा बारवा आता है अरुणाचल प्रदेश में और नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो गए, इनके बीच में ये सात रेंजेस हैं। आप इसको इसका ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे नामचा बारवा, और ये मतलब ये दो एक्सट्रीम्स हो गए और बीच के साथ आपको ऐसे जगह याद रख लेने चाहिए। जैसे कंचनजंगा, पहला ये कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में आता है, ठीक है। ये साथ साथ में आपको इसके ये एरिया भी इसको याद रखना चाहिए कहाँ पे ये लोकेट कर रहा है। कंचनजंगा सिक्किम, मकालू नेपाल, एवरेस्ट नेपाल, गौरीशंकर नेपाल, मसालू नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, ठीक है। तो हमने ये एक लाइन से बना दिया, सीक्वेंस में बना दिया कि कौन सी रेंजेस किसके आगे हैं, कौन सी रेंजेस किसके पीछे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं, तो सीक्वेंस वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये याद है तो आप इजीली उनको ऐसा लोकेट कर लोगे और इजीली आपको क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे देखो सारे ये सब कुछ एक साथ मिला है तो आप इसका पूरा बेनिफिट उठाओ। मैं तो कहूँगी आप इसको याद कर लो, आप इसका बेनिफिट उठाओ कि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जा रही हैं। वरना कई बार बहुत सारी जगह पे ना एक कोई रेंज नहीं दी होती है और वो क्वेश्चन में आई होती है तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने तो कोशिश की है जितनी रेंजेस जितने माउंटेन मतलब इंपॉर्टेंट हैं प्लस जो है क्वेश्चन से पिछले सालों में पूछे गए हैं तो वो मैंने एक साथ करने की कोशिश की है। और भी अगर मुझे कुछ इसमें मिलता है तो हम इसको साथ साथ ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब हम साथ साथ ना क्वेश्चन भी देखते रहते हैं बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे हम पढ़ते रहेंगे उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो तो चीज़ प्रॉब्लम करेगा। वो तो एग्ज़ाम में जाके हमको बहुत ज़्यादा हम एकदम जाके ना एकदम सामने एकदम ऐसे बैठ जाएंगे हमें कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ करना तो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आता रहेगा बल्कि एग्जाम में जाके हो जाएगा कि यार कि कौन से क्वेश्चन पूछ लेगा। और पता है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के काफ़ी सारे फायदे ऐसे भी हैं कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उनके जो ऑप्शन हैं वो कई बार आपके क्वेश्चन में मिल जाते हैं, ठीक है। आपका कोई कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो रहा है ना और फिर वही कंसेप्ट अगर आपको एग्जाम में आ गया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अभी टाइम भी है, अभी UPPCS आने में भी टाइम है और MPSC MPPCS आने में भी टाइम है और राजस्थान PCS आने में भी टाइम है। मतलब टाइम इतना सफिशिएंट टाइम है हमारे पास कि हम इसको पढ़ने के बाद हम इसको टेस्ट सीरीज़ भी हम करते रह सकते हैं, साथ साथ क्वेश्चन हम सॉल्व करते रह सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम में जाके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो आप मुझे वैसे ये बता दो कि अगर हम जैसे ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, अभी अगर हमने छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा ऐड कर दिए हैं, जो क्वेश्चंस मेरे को मिलते गए हैं पिछले कुछ सालों में पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं MPPCS राजस्थान PCS किसी में भी वो पूछे गए हैं तो मैंने एक टॉपिक के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ हमारा तो साथ साथ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उनके ऐड करने की कोशिश की है। तो आप लोग के लिए ये कम्फर्टेबल है या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा जो लेसन है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये है और या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा इसके ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करें लेकिन आज के लेसन कंप्लीट होने के बाद, जैसे अभी 3-4 टॉपिक्स और बाकी हैं इसके, तो वो सब हम डिस्कस कर लें उसके बाद सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करें।
ठीक है, या फिर आप लोग चाहो, जैसे आप लोग चाहो, इन तीनों में से आपको जैसा समझ में आए आप लोग वो बता दो, तो हम लोग उसी हिसाब से फिर यहाँ पे डिस्कस कर लिया करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना कि आपको इन तीनों में से किस टाइप से आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो, बट हम क्वेश्चन डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप ये मत कहना इन तीनों में से कोई नहीं हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आपने डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ये MPPC 1995 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे वो 95 का हो या फिर 92 का हो, हमको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। तो वेयर इज़, क्या है क्वेश्चन है, वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। अभी मैंने आपको फिगर बना के आपको दिखाई थी, जो मैंने आपकी फिगर बनाई हुई थी उसमें ये क्वेश्चन, उस अगर आप अगर उस ध्यान से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन काफ़ी आप ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, उसमें था ना सिक्किम में हमारा सिर्फ एक आ रहा था, कंचनजंगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी सारे थे सब कहाँ पे लाई कर रहे थे, नेपाल। ठीक है, इसका आंसर आ गया नेपाल। सेकंड क्वेश्चन, ये भी 1995 का क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। हाँ, तो क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछ रहा है, तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम या माउंट एवरेस्ट? कंचनजंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, हमने अगर पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, और हम साथ साथ अगर क्वेश्चन कर भी रहे हैं ना तो वो हमको याद रह जाते हैं। हो सकता है पढ़ने के बाद आपको चीज़ें एक बार को याद ना रहें, ठीक है, आप भूल जाओ, क्योंकि एक साथ आप काफ़ी कुछ पढ़ रहे होते हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप चीज़ भूलोगे नहीं कभी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा MPPCS में पूछा गया, MPPSC में पूछा गया, सॉरी 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड है, 12th उसने बता दिया हिमालयन की पीक है ये। ठीक है, कंचनजंगा तो उसने पहले बता दी कि हिमालयन की पीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी हमने किया था ना सिक्किम था, सिर्फ कहाँ पे, सिक्किम में था कंचनजंगा, उसके अलावा सारे था नेपाल में। ठीक, अभी देखा जैसे हमारे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व हुए सब एक ही तरह के सॉल्व हुए, तो उससे हमको ये याद हो गया ना कि कंचनजंगा सिक्किम में था, उसके अलावा जितनी भी वहाँ पे हमने और भी रेंजेस देखी थी और भी माउंटेन थे वो सारे नेपाल में लाई कर रहे थे। ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम। UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है ये, UPPCS में पहले मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो 2008 का मेंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ही होगा ये, गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। अभी देखो बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट में हमको इसकी जो डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट में हमको इसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू या माउंट एवरेस्ट। सेकेंड नामचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। थर्ड मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। इसको आप 2 सेकेंड आप टाइम ले सकते हो, 2-3 मिनट आप ले लो उसको, लेकिन इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करो। अगर हमने वाला अभी हमने जो वाला मैंने आपको जो दिखाया था जो फोटो था उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, यही एक्सरसाइजेज हैं हमको जो करनी है, जो हमारे एग्जाम में हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप याद करने की कोशिश करो वो कहाँ कौन कौन सी रेंजेस थी, कहाँ कहाँ पे वो लाई कर रही थी। ठीक है, पहले हमारे याद करो, हमने 2 एक्सट्रीम्स पढ़े थे उधर। ठीक है, यहाँ पे था नामचा बारवा, इधर था नंगा पर्वत। ठीक है, ये कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश, और ये था जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 रेंजेस थी पहली बार। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप ये देख लो कि हमको पहले लगाना है इसको कहाँ से, हमको ईस्ट से वेस्ट में लेके जाना है। तो यहाँ पे नामचा बारवा आपको अगर याद है तो पहला तो ऑप्शन इसमें नामचा बारवा होना चाहिए, नामचा बारवा इधर है। ठीक है, इसमें नहीं है, ये तो अब 2 ऑप्शंस गलत हो गए, नामचा बारवा इधर है। ठीक है, इन 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही होगा। नामचा बारवा के बगल में फर्स्ट वाला क्या था, कंचनजंगा। ठीक है, अभी आप उसको एक दो बार रिवाइज करोगे ना वो याद हो जाएगा, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड मकालू, ठीक है, फिर था एवरेस्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड पे कंचनजंगा, ये दोनों में कंचनजंगा है। आप इससे भी आपका सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये देखो कि आप फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते एक एक वाला दोनों एक्सट्रीम्स में दो दो याद कर लिए उससे हो रहा है, उससे ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट।
अभी हमने, ठीक है, नंदा देवी तो हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये ना उस, चलो मैं आपको बताती हूँ। और फिर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ था? कंचनजंगा था, ठीक है, कंचनजंगा के बाद में था मकालू, उसके बाद था माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाता है ये वाला डी, क्योंकि नंदा देवी ना, नंदा देवी हमने उस वाले सेक्शन में इसलिए नहीं पढ़ा, नंदा देवी हमने उस वाले सेक्शन में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा था वो ग्रेटर हिमालय की रेंजेस पढ़ी थी, ठीक है, ग्रेटर हिमालय में जो जो लाई करता है ना माउंटेन्स, हमने वो पढ़ा था। अभी नंदा देवी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ग्रेटर हिमालय में लाई नहीं करता। और अगर आपको पता है कि ग्रेटर हिमालय में ये सारी चीज़ें लाई करती हैं बट नंदा देवी लाई नहीं करता है, तो इसके ऊपर का तो ये नहीं है, ठीक है, ये उसके नीचे की कोई रेंजेस का, रेंजेस की माउंटेन पीक है, ठीक है। तो ये तीनों तो आपका साथ में आ गया, नंदा देवी अलग है। अभी उत्तराखंड पीसीएस में 2006 का ये क्वेश्चन है, लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय तो आप लोग को याद हो, अब तक तो याद हो गया होगा, मैंने काफ़ी बार उसको रिपीट किया है और मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो आपको, आपको अभी वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ठीक है। तो लेसर हिमालय कौन सा वाला था? फर्स्ट था हमारा ग्रेटर हिमालय, सेकेंड था हमारा कौन सा था, ये था लेसर हिमालय, और ये थर्ड था हमारा शिवालिक, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपको ये याद है आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। शिवालिक या देखिए ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, शिवालिक और हिमालयस के बीच में है ये, या शिवालिक या आउटर हिमालयस के बीच में है, ट्रांस हिमालय शिवालिक, ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय, नहीं ना? तो सीधा सा आप तुरंत इसको देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा ये वाली फिगर, और आप इजिली इसको सॉल्व करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। प्लस टू मिला, प्लस टू मिलते ही आप आगे निकल गए। अब ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आपको साउथ टू नॉर्थ लगाना है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन। अभी ये देखो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये क्वेश्चन तो आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया इसको कि अभी तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन आप इसका ये ऑप्शन मत करके आना गलती से भी, बिकॉज यहाँ पे पूछा हुआ है साउथ टू नॉर्थ, बस ये ऑप्शन देखते ही टिक नहीं करना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, साउथ टू नॉर्थ लगाना है हमको, मतलब ये जो दे रखा है, ठीक है, ये तो करेक्ट सीक्वेंस है, लेकिन हमको इसका अपोजिट लगाना है, अपोजिट लगाना है, तो इसका मतलब शिवालिक पहले आएगा, फिर लेसर हिमालय बीच में ही रहेगा, उसके बाद ग्रेटर हिमालयास, ठीक है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उसी से रिलेटेड थे, जो हमने अभी अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे, तो हमने इसलिए इसको साथ में ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं जो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी वरना हमारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो अभी हाँ, अभी आते हैं हम मिडिल हिमालयस पे। अब मिडिल हिमालयस जो है वो डिसकंटिन्यूटीज हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, इधर हैं आपके ग्रेटर हिमालयस, इधर हैं आपके शिवालिक्स, ठीक है, इन दोनों ने, इन दोनों के फोर्सेस की वजह से, ठीक है, इन दोनों के फोर्सेस की वजह से इसके अंदर डिसकंटिन्यूटीज़ हो गई। अब ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं इसको इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम मिडिल हिमालयस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालय के ऊपर है ग्रेटर हिमालय और इसके नीचे आता है आपका शिवालिक, तो इन दोनों के फोर्सेस की वजह से, ठीक है, इन दोनों का जो फोर्सेस है उन दोनों फोर्सेस की वजह से ये टूट गया, ठीक है, ये जब पार्ट्स में टूट गया, इन्हें इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूटीज भी कहा जाता है, ठीक है, इनको डिसकंटिन्यूटीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है, ये कैसे टूटा है, ये हम आगे की आगे क्लासेस में जब इसका कंसेप्ट, हम मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे हिमालय कैसे बना है क्या हुआ है, तो हम उसमें इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर अभी हम डिस्कस करेंगे वो आप भूल जाओगे पूरा कंसेप्ट के साथ, हाँ लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अभी इसमें हम ये देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल ऐसे आई ना मिडिल हिमालय, आपका ये था ग्रेटर हिमालय, ये था मिडिल हिमालय, ठीक है, और ये जो मिडिल हिमालय है ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय ऊपर था, मिडिल हिमालय ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जो जो स्टेट्स है, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ रहा है, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर फिर नेपाल में निकल गया ये, ठीक है, हमारा इंडिया था ये, यहाँ पे नेपाल में चला गया। तो जो जम्मू कश्मीर में है उस रेंज को बोला जाता है पीर पंजल और धौलागिरी,
धौलाधर, सॉरी, धौलाधर रेंज और पीरपंजी रेंज दोनों आपका जम्मू कश्मीर में आता है, लेकिन धौलाधर जो है वो थोड़ा सा छोटा पार्ट ही यहाँ पे आता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पूरी रेंज आती है, ठीक है। इधर उत्तराखंड वाला पार्ट जो है वो नाक तिब्बा और मसूरी, ये दोनों उत्तराखंड में आता है, और नेपाल में आता है महाभारत रेंज, ठीक है। ये भी मुझे सही से मिला नहीं, तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉ करके ही यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लो, ठीक है। आपने इसको प्रैक्टिस कर लो, एक्चुअली आप क्या करो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग ना मैपिंग करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ आपका मैपिंग भी होता रहेगा इससे। अगर आपने ये इंडिया एक मैप लिया, अगर आप मैप ले लो या फिर आप इसको खुद ही डिज़ाइन कर लो, पेन कहाँ गया इसका, तो आप इसको या तो खुद ही डिज़ाइन कर लो या तो आप उसको मैप खरीद लो और साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पूरा आपने हिमालय हिमालय आपने पूरा कंट्री आया, यहाँ पे हिमालय आपने देख लिया कि हिमालय रेंजेस कहाँ पे हैं, तीनों रेंजेस कहाँ पे हैं, ठीक है। बीच वाला जो है शिवालिक, शिवालिक कहाँ पे आता है, ठीक है। लेसन हिमालयस में आप कितने कितने कहाँ कहाँ पे, ये सारी रेंजेस आप उसको लिख सकते हो, आपको ईजिली वो याद रह जाएगा, और वो ऐसे याद रहेंगे ना आपको, फिर लाइफ टाइम भूलेगा नहीं ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। हाँ, अभी क्या है कि हमारा जो हिमालयस है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हिमालय को हम पांच, इसकी पांच डिवीजन है, कश्मीर वाला हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड वाला हिमालय, दार्जिलिंग वाला हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम वाला, अरुणाचल प्रदेश का या ईस्ट, जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स है वाला हिमालय, ठीक है। तो पांच पार्ट्स में हमारे हिमालय को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कश्मीर हिमालय से। कश्मीर हिमालय में क्या है, कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजर, ठीक है। ये जो चारों रेंजेस हैं प्लस जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन कैसे, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, तो वो सारा, ये सारी चीज़ें मिलके बनाते हैं हमारे कश्मीर हिमालय, ठीक है। और श्रीनगर, श्रीनगर आपके कौन से रिवर पे आता है, ये झेलम रिवर पे होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि कैपिटल भी है ये जम्मू कश्मीर की, और किसी भी स्टेट का कैपिटल कौन से रिवर पे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे कश्मीर वैली है, जो हमारी कश्मीर वैली है वो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजर के बीच में आती है, यहाँ पे ये लाई करती है, ठीक है। ये भी कोई भी क्वेश्चन भी था पहले कभी कि कश्मीर वैली किन के बीच में लाई करती है, तो ग्रेटर हिमालय और पी पंजा के बीच में लाइफ करती है, ठीक है। और जो हमारा कश्मीर है वो करेवा फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। करेवा फॉर्मेशन क्या होता है, वो ना एक क्ले होता है, इतना थिक लेयर होती है क्ले की, ठीक है। वो थिक लेयर जो होती है क्ले की वो वहाँ पे मतलब फॉर्म होती है, वहाँ पे वो बन जाती है। और उसका उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है कि वो जो ज़ाफ़रान को कल्टिवेट करने में उसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और ज़ाफ़रान क्या है, ज़ाफ़रान एक सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन का वैरायटी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, आप ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये हिंदू कुश, ये हमारा काराकोरम, यहाँ से आप स्टार्ट करो काराकोरम। ये ना ऊपर ये स्लाइड वाला ये आ रहा है, ये जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, शायद ना आपको भी हो रही होगी। काराकोरम, लद्दाख रेंज और ये जस्कर, पीर पंचर और ये धौलागिरी, ये सारे रेंजेस हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पहले देखा ना कि यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस आ रही, काराकोरम लद्दाख, जस्कर और पीर पंचर, काराकोरम लद्दाख, जस्कर और पीर पंचर, ये सारे कश्मीर में है। ये सारी कश्मीर में लाई करती हैं, ठीक है। और अभी हमारा क्वेश्चन था, मैंने आपसे बताया था अभी, कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, कश्मीर लाई करता है पीर पंचर और ग्रेटर हिमालय के बीच में, ठीक है। तो ये रहा ग्रेटर हिमालय और ये रहा पीर पंचर, इनके बीच में यहाँ पे कश्मीर लाई करता है। मैपिंग देखा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ये सारी रेंजेस, आप ये सारी रेंजेस आप अपने आप को डेली डेली नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन में जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो अगर आप इसको एक बार डिज़ाइन कर लो, एक बार मतलब ऐसे ऐसे इसको फिट करते रहो ना मैप लेके, तो आपको 2 या 3 मिनट लगेगा आपका, लेकिन वो याद हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए याद होता है वो सब, ठीक है। और अब हम कश्मीर, हाँ कश्मीर हिमालय में ही देखते हैं कि यहाँ पे लेक्स कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स देख रहे हैं हम। तो दल लेक आप जानते होंगे, अवलार लेक, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है पूरे एशिया में, ठीक है। ये भी हमारा हिमालय, इधर कश्मीर हिमालय में लाइक करती है। सॉल्ट वाटर की भी दो लेक्स हैं इधर, कौन कौन सी, पैंगोंग शो, दूसरी है शो मोरोरी, ठीक है।
ये बाहर की हैं एक्चुअली, और चाइना की हैं शायद ये। और उसके बाद है इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स जो है हमारे साउथ एशिया के, वो है बालतोरो और दूसरा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सियाचिन ग्लेशियर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और इस एरिया को ड्रेन कौन करता है? इस एरिया को ड्रेन किया जाता है यहाँ इंडस रिवर, इंडस करती है, झेलम और चेनाब, ठीक है। ये तीन, जो तीन रिवर्स हैं ये कश्मीर को, या ये कश्मीर वाले जो रीजन है इसको ड्रेन की होती है ये तीनों रिवर्स से, ठीक है। कुछ पिलग्रिमेज भी है यहाँ पे, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, चराज ई शरीफ भी इधर ही है। और जो हमारा साउथर्न मोस्ट रीजन है ना यहाँ का, सॉरी यहाँ का नहीं, जो कश्मीर का हमारा सदर्न मोस्ट रीजन है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कि दून, जिसको दून कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर है, पठानकोट दून है, ये सारी इसी इसी वाले रीजन में आती हैं, ठीक है। अभी हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैप लगाया है। वलार लेक ऊपर है, उसके नीचे है आपकी डल लेक, फिर मानसर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो ही लेक्स के बारे में बताया है, तो वलार लेक और डल लेक। तो हमने जैसे और भी लेक्स करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है, आगे जैसे और भी लेक्स आएंगी तो हम ना वो इसी में ऐड करते रहेंगे। आप लोग भी काम करो, आप लोग मैप ले लो, अदरवाइज डिज़ाइन कर लो अपनी, जिस रजिस्टर में, जिस कॉपी में आप लोग इसके नोट्स बना रहे होगे उसमें ना आप ये मैप इंडिया का डिज़ाइन कर लो, ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ऊपर वलार लेक लिख लो और नीचे फिर डल लेक। और हम लोग अगर आगे से पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ने के टाइम पे हम लोग और जो जो लेक्स हम पढ़ेंगे वो हम इसी में ऐड करते रहेंगे, तो ये आपको एक अच्छा खासा पूरा लेक्स का एक तैयार हो जाएगा, पूरा मैप तैयार हो जाएगा। और आप अपने हाथों से उसको लिखते रहोगे ना डेली डेली, या फिर जब भी आप पढ़ रहोगे उसको डेली लिखते रहोगे ना, तो वो आपको ईजिली याद रहेगा, वो रिकॉल करने के लिए काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। आप खुद ही लिखोगे तो आपको वो याद रहता है, होता है ना कि अपने आप से लिखा है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आगे आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस। तो ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है रवि, जो रावि रिवर है वेस्ट में, जो रावि रिवर आती है, ठीक है, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। मैं इसके बारे में आपको जो ड्रेनेज सिस्टम में पूरा बता दूंगी कौन कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। और इधर काली रिवर, इन दोनों के बीच में आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन आता है, ठीक है। अब इसको ड्रेनेज कहाँ से होती है? इंडस और गंगा से होता है, ठीक है। और ये इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट वाला पार्ट है, ये जो एक्सटेंशन है, जो हमारा यहाँ पे लद्दाख का पार्ट था, जो लद्दाख की वजह से हम लद्दाख था ना कश्मीर का पार्ट, ठीक है, उसमें उससे उसका एक्सटेंशन है ये इसी कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे हिल्स हैं, जैसे धर्मशाला है, मसूरी है, शिमला कंटोनमेंट जो टाउन्स हैं इधर, ठीक है, हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं इधर, काफ़ी सारे ये हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं। एक्चुअली इनका क्या कंसेप्ट है, ये आज की डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट है कॉलोनियल पीरियड्स के टाइम की, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो इस यहाँ की ब्यूटी देख के वो काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे ये डेवलपमेंट की, यहाँ पे सारे ये डेवलपमेंट्स उसी टाइम के किए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे दूंस, यहाँ पे जो दूंस हैं वो कौन कौन से दूंस हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं आपका देहरादून भी इधर ही है, चंडीगढ़ कालका दून इधर ही है, नालागढ़ दून इधर ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाला जो है वो देहरादून जो है, वो इन सब दूंस में सबसे लार्जेस्ट दून है। और वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी एरिया में, इसी रीजन में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब से कौन कौन से रिवर्स आती हैं, ये सब हम अभी ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, हाँ, वो कौन हैं? ये लोग हैं भोतिया, जो भोतिया ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे इनहेबिटेंट्स जो हैं ये भोतिया ट्राइब्स हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन भी आ सकता है ना कई बार कि भोतिया ट्राइब्स कहाँ, किस रीजन से हैं, ठीक है, आपको हिमालयस दे दिया जाएगा, अरावली से दी जाएगी, हाँ, या फिर अंडमान दे जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए भोतिया ट्राइब्स जो है, हमने हिमालयस के टाइम पे पढ़े थे, कौन से उसमें था, हिमाचल और उत्तराखंड रीजन्स में था, ठीक है। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिल्स, सिक्किम हिमालयस। अब ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है आपका यहाँ पे, देखो हिमाचल, नेपाल, नेपाल और भूटान के बीच में,
ठीक है, ये सिक्किम है, ये नेपाल और भूटान के बीच में। एक ना एक बड़ा कन्फ्यूजन सा है मैंने देखा है, जो लोग स्टार्टिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन लोग को इतना पता नहीं होता है ना, थोड़ा सा आइडिया इतना अच्छे से नहीं होता है। तो मैं उन लोग को भी बता दूँ कि जो सिक्किम है, सिक्किम जो है यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर्स हैं उनका पार्ट नहीं है, ठीक है। सिक्किम अलग है और जो सेवन सिस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे नागालैंड है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो सब इधर हैं, ठीक है, इस रीजन में आते हैं सारे, और ये अलग है, सिक्किम बिल्कुल अलग है। तो ये उन जैसे सिक्किम देख के सोच के ऐसा लगता है ना, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ही तो है, नॉर्थ ईस्ट के ही सेवन सिस्टर्स का पार्ट होगा, लेकिन ये नॉर्थ सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, सिक्किम अलग है। तो ठीक है, तो इन दोनों रीजन्स के बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में आता है सिक्किम, ठीक है, नेपाल और भूटान के ये बीच में आ गया। ये तो पॉइंट यही है आपका। उसके बाद है, हाँ, इधर ना एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है जिसको हम कहते हैं तीस्ता रिवर, और जो हमारी हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, वो भी इसी इसी रीजन में लाई करती है। कंचनजंगा हम था ना, कंचनजंगा कहाँ था, सिक्किम में था, तो इधर ही लाई करती है, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसका एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इधर आते आते जो शिवालिक रेंज है, जैसे हमारी तीन रेंजेस थी, जो शिवालिक रेंज है ना वो इधर आते आते काफ़ी नैरो हो जाती, काफ़ी कम हो जाती है। उसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप अभी ये समझ, अभी आप इतना ही समझो कि जो शिवालिक रेंज है वो इस साइड में, मतलब जो वेस्टर्न साइड है इसका, काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन जैसे जैसे वो इधर नेपाल की साइड में आती है, ये काफ़ी इसका स्ट्रेच कम होता जाता है और काफ़ी नैरो होती जाती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है वो हम अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि वो शिवालिक जो है वेस्टर्न साइड में काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन वो नेपाल साइड आते आते काफ़ी नैरो हो जाती है, ठीक है। अरुणाचल, अरुणाचल हिमालयस के बारे में हम देखते हैं, अरुणाचल हिमालय कहाँ पे होता है, ये है भूटान हिमालय और दीपू पास के बीच में, ठीक है, भूटान हिमालय और दीपू पास के बीच में ही लाई करती है। इनकी जो माउंटेन्स है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, हाँ, कांगतू और नामचा बारवा। नामचा बारवा अब तो आपको याद हो गया होगा, नामचा बारवा नंगा पर्वत कहाँ पे है, तो नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में था ना, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट माउंटेन है यहाँ का। अब यहाँ पे भी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है जो कि यहाँ पे गॉर्जेस बनाती हैं, ठीक है, डीप गॉर्जेस बनाती हैं। यहाँ के इम्पॉर्टेंट रिवर्स कामेक, सुबरसिनी, दिबांग, दिहांग दिबांग, लोहित, ये सारी जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको। यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो है मोनपा, अबोर, मिशमी, न्याशी और नागा, ये सब जो है झूम कल्टिवेट झूम झूमिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये है देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हाँ, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से और यहाँ तक, इनके बीच में ये आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयस और उसके वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ की, ठीक है। तो ये है, ये जो माउंटेन्स है ना, ये जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ये पैरेलली ऐसे नहीं है, ये आपके हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, जैसे इनको इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम से, इनके लोकल एरिया जैसे जैसे है, जैसे जैसे उनके उसके हिसाब से इनके नाम है, जैसे पटकई बूम, यहाँ पे नागा हिल्स, मणिपुर हिल, और साउथ मणिपुर हाउस साउथ में है, और मिजो और लुशाई हिल्स, ठीक है। तो ये कैसे हैं ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ, मैं आपको आगे बता ही देती हूँ पहले। जैसे ये है पटकई बूम, ये भी मैंने ड्रॉ किया है, आपको याद रहे, बिकॉज वहाँ पे फिर आप स्टेट, आपको पता नहीं होता ना कि हाँ ठीक है पटकई बूम पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में है, आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन से स्टेट में पड़ता है, असम दे देगा, असम नागालैंड, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉ ही कर दिया। कोई अच्छी फिगर ऐसे मिल भी नहीं रही थी इसकी कि जिसके वो आपको क्लियर होता, कंसेप्ट क्लियर होता, इसलिए हमने यहाँ पे ये फोटो इसकी बना के मैंने ड्रॉ करके फोटो लगा दिया। पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, कोहिमा हिल्स या नागा हिल्स नागालैंड, हाँ, बरेल हिल जो बरेल रेंज है, ये असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में आता है, मणिपुर हिल मणिपुर में ही है, और मिजो और लुशाई जो है वो मिजोरम में है, ठीक है। ये भी आप लाइन वाइज ही याद करना, ठीक है, इसको मतलब सिक्वेंस वाइज याद करना, जब याद करना, ठीक है, याद क्या करना, आप इसको आप समझने की भी कोशिश कर सकते हो। देखो मिजो पता होगा, मिजो आपको कहाँ आता है, मिजोरम में होगा मिजो, ठीक है, और लुशाई, लुशाई हिल्स भी मिजोरम की है, मणिपुर हिल
ये हो गया, ठीक है। कोहिमा, कोहिमा के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोहिमा बैटल के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो कोहिमा या नागा हिल्स, ये भी नागालैंड की है। पटकई भूमि एक आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश है, और एक भी बैरल रेंज, ठीक है, ये तीन स्टेट्स में है। तो आप इसको दो तीन बार देखोगे ना, इस फिगर को ही अगर दो तीन बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कुछ ये, ठीक है। और ये बराक रिवर यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, मणिपुर और मिजोरम की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये ट्रिब्यूटरी है मेघना रिवर की, ये बराक रिवर जो है ये मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये पॉइंट आप नोट कर लो कहीं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये भी क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ था, यूपीएससी क्वेश्चन था ये, 2017 या 16 का क्वेश्चन था, उसमें था बराक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ऐसा नहीं है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब ये है लोकतक लेल भी मणिपुर में ही है, जो कि सराउंडेड है माउंटेन से, साइड साइड से वो माउंटेन से सराउंडेड है। आपको पता है लोकतक लेक किस लिए फेमस है? फुमडीज के लिए, ठीक है, ये फुमडीज के लिए फेमस है। और जो हमारा एक ही, हमारा पता है आपको नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड का एक ही है, वो कहाँ पे पड़ता है? वो भी इसी फुमडीज से पड़ता है। और उनका नाम क्या है? उसका नाम है केबुल नामजो नेशनल पार्क, ठीक है। ये सिर्फ आप ये नोट कर लो, सिर्फ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का जो इन फुमडीज पे ही पड़ता है। और फुमडीज कहाँ? लोकतक की, जो लोकतक लेक की जो फुमडीज है, ठीक है। आपको फुमडीज दिखाती हूँ कैसी होती हैं आपको। हाँ, ये सारी ये फुमडी, थैंक यू पहले, हाँ ये जो है ना, ये इसको फुमडी कहा जाता है, ठीक है। ये लेक के ऊपर ये फुमडीज बनी हुई है, ठीक है। आपने सुना होगा, आपने कभी पढ़ा भी होगा शंघाई डियर्स के बारे में, हाँ शंघाई डियर्स के बारे में पढ़ा है आपने, तो शंघाई डियर्स होती हैं, ठीक है। वो भी आपको यहीं लोकतक लेक में, मणिपुर में लोकतक लेक में ही मिलती हैं, लोकतक लेक के पास ही मिलती हैं सारी। और ये स्टेट एनिमल भी है शायद वहाँ का, हाँ मणिपुर का स्टेट एनिमल भी यही है, ठीक है। ये आई यू सी एन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड आते हैं, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट जो है ना, उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब तो अलग कंसेप्ट है, ये तो अलग पार्ट ही है पूरा, लेकिन अभी आ गया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ कि संघई भी जो है यहीं पे मिलता है, लोकतक लेक में ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो अभी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब हमारा ये नॉर्दर्न वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट हम अपने नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। बहुत लंबे नहीं हो वीडियोस, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम छोटे छोटे ही, मैं कोशिश करूँगी छोटे ही रहेंगे, बट इसमें जैसे क्वेश्चन हैं तो उसके वजह से वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे बता दो कैसे आप लोग को वीडियो क्वेश्चन चाहिए, हम क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस कर लें, या फिर आप हमारे क्वेश्चन का PDF दे दूँ, आप उसको डिस्कस करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ऐसे मतलब कुछ भी हम सिस्टम देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने पेशेंटली मेरा वीडियो देखा, आपने समझने की कोशिश की, थैंक यू सो मच।